हेलो फ्रेंड्स एंड डियर स्टूडेंट्स, मैं फातिमा सिद्दीका, लेक्चरर कंप्यूटर इंजीनियरिंग फ्रॉम गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक गाजियाबाद, बेसिक नेटवर्किंग लेक्चर सीरीज के फर्स्ट लेक्चर में आप सभी का स्वागत करती हूँ। यह सब्जेक्ट बेसिक नेटवर्किंग BTUP द्वारा सेशन 2021 के रिवाइज्ड करिकुलम में PG डिप्लोमा इन कंप्यूटर हार्डवेयर एंड नेटवर्किंग के फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट्स के लिए इंट्रोड्यूस किया गया है। इसके अतिरिक्त कंप्यूटर साइंस और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के स्टूडेंट्स के लिए भी यह सब्जेक्ट बहुत उपयोगी है। तो आज हम यूनिट वन जो कि इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर नेटवर्क्स है पढ़ेंगे। यूनिट वन में आपको बताया जाएगा अबाउट कंप्यूटर नेटवर्क्स। कंप्यूटर नेटवर्क से आपका क्या तात्पर्य है, स्टैंड अलोन कंप्यूटर्स क्या होते हैं एंड उसकी क्या ड्रॉबैक थी जिसके बाद कंप्यूटर नेटवर्क्स को इंट्रोड्यूस किया गया। देन उसके बाद आप जानेंगे कि कंप्यूटर नेटवर्क्स में एलिमेंट्स कौन कौन से यूज़ होते हैं, क्या क्या उसके एलिमेंट्स हैं, व्हाट डू यू मीन बाय नेटवर्किंग, टाइप्स ऑफ नेटवर्क्स यानी कि लैन, वैन और मैन में क्या डिफरेंस होता है, एंड यूजर्स ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क, कहाँ कहाँ आप कंप्यूटर नेटवर्क बेसिकली रियल लाइफ में यूज किए जाते हैं। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं स्टैंड अलोन कंप्यूटर से। ये बहुत ही बेसिक से मैं स्टार्ट कर रही हूँ इस सब्जेक्ट को, जिससे कि आपको अंडरस्टैंडिंग बने, आपकी समझ में आए कि कंप्यूटर नेटवर्क का कॉन्सेप्ट कैसे आया, क्या ज़रूरत थी कि आपको नेटवर्किंग करनी पड़ी। ठीक है, तो उसके लिए हम देखेंगे सबसे पहले स्टैंड अलोन कंप्यूटर्स क्या होते हैं। स्टैंड अलोन कंप्यूटर्स वर्कड इंडिपेंडेंटली फ्रॉम अदर कंप्यूटर्स, यानी कि जो सिंगल कंप्यूटर जो कि इंडिपेंडेंट कंप्यूटर होता है, जस्ट लाइक आपका लैपटॉप, आपका PC, वो क्या कहलाता है, स्टैंड अलोन कंप्यूटर कहलाता है। तो स्टैंड अलोन कंप्यूटर की यूजेज में बहुत सी प्रॉब्लम्स होती हैं, जिसको हम फ्रीली बहुत सारे काम के लिए यूज़ नहीं करते, अगर कर सकते हैं, जो कि कुछ प्रॉब्लम्स जिनमें से हैं द डिफ़िकल्टी टू इंटर कम्युनिकेट बिटवीन कंप्यूटर्स, डिफरेंट कंप्यूटर्स के बीच में कम्युनिकेशन करने के लिए बहुत ही डिफ़िकल्ट है अगर आप स्टैंड अलोन कंप्यूटर यूज़ करते हैं, नेटवर्किंग नहीं है। द डिफ़िकल्टी इन मैनेजिंग द कन्फिग्रेशन ऑफ द कंप्यूटर्स, डिफरेंट कंप्यूटर्स की कन्फिग्रेशन को मैनेज करने के लिए, उसको कन्फिगर करने के लिए, उनका इंस्टॉलेशन, उनका मेंटेनेंस, वो भी बहुत डिफ़िकल्ट होता है इफ़ यू आर यूजिंग स्टैंड अलोन कंप्यूटर्स इन योर ऑर्गेनाइजेशन और लैब और इन योर इंस्टीट्यूट। द रिक्वायरमेंट फॉर डुप्लीकेशन ऑफ रिसोर्सेज एज ईच कंप्यूटर रिक्वायर इट्स ओन रिसोर्स सच एज डेडिकेटेड प्रिंटर, अ डेडिकेटेड मॉडम एंड सो ऑन। एंड दूसरी बेसिक जो आपकी नीड है वो रिसोर्सेज की होती है, जैसे रिसोर्सेज जैसे कि आपको स्टोरेज की ज़रूरत होती है, आपको प्रिंटर्स की प्रिंट करने की ज़रूरत होती है। तो अगर आप नेटवर्क बनाने के बजाय इंडिपेंडेंट कंप्यूटर्स यूज़ करते हैं अपनी ऑर्गेनाइजेशन में या इंस्टीट्यूट में, तो सपोज़ आपको प्रिंट कमांड देनी है, प्रिंटर यूज़ करना है, तो आपको डेडिकेटेड प्रिंटर लगाने होंगे, यानी कि प्रत्येक कंप्यूटर के साथ अलग अलग प्रिंटर कनेक्ट करना होगा, जिससे कि वो उस प्रिंटर को कमांड देकर वहाँ से प्रिंट कर सके। सिमिलरली आपको स्टोरेज के लिए आपके पास लिमिटेड मेमोरी है, सपोज एक कंप्यूटर में आपके पास जो स्टोरेज है वो आपकी नीड से ज़्यादा है, दूसरे कंप्यूटर में स्मॉल स्टोरेज है, ठीक है, तो आप उसको एफिशिएंटली यूज़ नहीं कर सकते। जब आप एक नेटवर्क क्रिएट करते हैं एंड जो कि सर्वर से कंट्रोल होता है, तो वहाँ से आपको आपका जो स्टोरेज होता है वो जो है आप उसको यूज़ कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, आपस में कम्युनिकेट कर सकते हैं बिटवीन डिफरेंट कंप्यूटर्स, एंड आप सिंगल जो प्रिंटर होता है, यानी कि रिसोर्सेज होते हैं, प्रिंटर हो गया, आपका स्कैनर हो गया, तो उसको आप जो है थ्रू इंटरनेट, थ्रू विद इन ए नेटवर्क आप किसी भी कंप्यूटर से एक्सेस कर सकते हैं। तो प्रॉब्लम सॉल्व विद लोकल एरिया नेटवर्क, तो ये जो सभी प्रॉब्लम्स थी रिसोर्स को एक्सेस करने की एंड कम्युनिकेशन की, ये सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती हैं कैसे, लोकल एरिया नेटवर्क से लैन क्रिएट करने से, विच कनेक्ट कंप्यूटर्स एंड अदर डिवाइसेस विद इन अ सिंगल बिल्डिंग, जिसकी सहायता से, लैन की सहायता से हम एक ही बिल्डिंग के अंदर डिफरेंट कंप्यूटर्स को कनेक्ट करते हैं। फैसिलिटेटेड शेयरिंग ऑफ फाइल्स एंड प्रिंटर्स, एफिशिएंट ट्रांसफर ऑफ फाइल्स विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन, बट वाज स्टिल डिफिकल्ट टू ट्रांसमिट
डेटा ओवर ए लार्ज ज्योग्राफिकल रीजन। तो एक ही बिल्डिंग या ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आपकी फाइल्स की शेयरिंग इजी हो जाती है एंड प्रिंटर शेयरिंग इजी हो जाता है, लेकिन आउटसाइड दैट ऑर्गेनाइजेशन किसी अलग ज्योग्राफिकल रीजन में अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन स्थित है तो लैन वहाँ वर्क नहीं करता है, क्योंकि वो आपका स्मॉल नेटवर्क है, लोकल नेटवर्क है। तो अब हम देखते हैं कि बेसिकली कंप्यूटर नेटवर्क क्या होता है, एक कंप्यूटर नेटवर्क से क्या तात्पर्य है। अ कंप्यूटर नेटवर्क इज अ सेट ऑफ डिवाइसेस नोड्स कनेक्टेड बाय कम्युनिकेशन लिंक्स। सबसे पहले आपको समझना है कि नेटवर्क का मतलब होता है सेट ऑफ डिवाइसेस एंड नोड्स। जस्ट लाइक रियल लाइफ में एक जो नेटवर्क होता है वो क्या होता है, ग्रुप होता है, जैसे कि नेटवर्क ऑफ पीपल यानी कि ग्रुप ऑफ पीपल। जैसे कि आप सोशल नेटवर्क की अगर बात करें, सोशल नेटवर्किंग साइट्स पे व्हाट्सएप पे भी ग्रुप होता है, तो उसमें क्या होता है, ग्रुप ऑफ पर्संस कनेक्टेड टुगेदर इज कॉल्ड अ सोशल नेटवर्किंग ग्रुप। तो सिमिलरली कंप्यूटर्स को अगर हम कनेक्ट करते हैं एंड उसका ग्रुप के फॉर्म में उसका एक ग्रुप बनाते हैं तो वो क्या कहलाता है, एक नेटवर्क कहलाता है। एंड वो कनेक्शन कैसे होता है, इट इज़ कनेक्टेड विद द हेल्प ऑफ कम्युनिकेशन लिंक्स। वो वायर्ड कनेक्शन भी हो सकता है और वायरलेस कनेक्शन भी हो सकता है किसी भी नेटवर्क में। और जो डिवाइसेज होती हैं, जो एंड डिवाइसेज होती हैं जो कनेक्ट की जाती हैं, जैसे कि पीसी, लैपटॉप, प्रिंटर, नेटवर्किंग डिवाइसेस, सारी जैसे कि स्विच, हब्स, ये सभी एक कम्युनिकेशन लिंक्स के थ्रू कनेक्ट की जाती हैं। एंड जो लैपटॉप, पीसी जो कि डिवाइसेस होती हैं जो कि यूजर्स यूज़ करते हैं, जैसे कि प्रिंटर, वो सब क्या कहलाती हैं, नोड्स कहलाती हैं। उसे हम नेटवर्किंग की टर्मिनोलॉजी में नोड्स कहते हैं। तो सेट ऑफ डिवाइसेस यानी कि नोड्स कनेक्टेड टुगेदर, आपस में कनेक्टेड होते हैं, कैसे, थ्रू कम्युनिकेशन लिंक्स यानी कि वायर्स के थ्रू, केबल्स के थ्रू या फिर वायरलेस वाईफाई के थ्रू। तो एक नोड क्या होता है, नोड इज अ कंप्यूटर और प्रिंटर। जनरली आप एक नोड, जहां भी हम ये टर्म यूज करते हैं नोड, तो उससे आपका तात्पर्य होता है कंप्यूटर, पीसी या प्रिंटर और एनी अदर डिवाइस कैपेबल ऑफ सेंडिंग और रिसीविंग डेटा, या फिर कोई भी डिवाइस जो कि डेटा को सेंड और रिसीव करने के लिए कैपेबल होती है। जैसे कि आजकल डिफरेंट डिजिटल डिवाइसेस होती हैं, आपका एंड्रॉयड फ़ोन भी एक नोड की तरह से वर्क करता है, तो ये सब आपके नोड्स कहलाते हैं। आप इस डायग्राम में देख सकते हैं, एक कंप्यूटर नेटवर्क को दिखाया गया है यहाँ से। बेसिकली ये सेटेलाइट शो कर रहा है, ठीक है, सेटेलाइट से सिग्नल्स आ रहे हैं एंड सिग्नल्स ट्रांसमिट हो रहे हैं आपके जो है डिफरेंट नोड्स में। नोड्स पीसीज आपके नोड्स हैं और ये एक कम्युनिकेशन चैनल के थ्रू कनेक्टेड है। ये आपकी डिवाइस है जैसे कि स्विच या हब है एंड इससे आपका प्रिंटर अटैच है। एक कॉमन एक सिंपल से एक स्मॉल नेटवर्क को यहाँ शो किया गया है। अ कम्युनिकेशन सिस्टम फॉर कनेक्टिंग एंड सिस्टम्स, एक स्मॉल सी वन लाइन डेफिनेशन अगर आप कहेंगे कंप्यूटर नेटवर्क की, तो आप ऐसे कहेंगे अ कम्युनिकेशन सिस्टम फॉर कनेक्टिंग एंड सिस्टम्स। जैसे कि इसमें डायग्राम में आप देख सकते हैं, तो ये पूरा एक कम्युनिकेशन सिस्टम है, कम्युनिकेशन सिस्टम है जो कि क्या कर रहा है, एंड सिस्टम्स को कनेक्ट कर रहा है। तो कंप्यूटर नेटवर्क इज अ कम्युनिकेशन सिस्टम फॉर कनेक्टिंग एंड सिस्टम्स। एंड सिस्टम्स क्या होते हैं, हॉस्ट होते हैं यानी कि नोड्स होते हैं, ठीक है। हॉस्ट डिवाइसेस क्या होती हैं, पीसीज, वर्क स्टेशंस, डेडिकेटेड कंप्यूटर्स और नेटवर्क कंपोनेंट्स, नेटवर्क के कंपोनेंट्स। तो अ नेटवर्क इज सिंपली अ कलेक्शन ऑफ कंप्यूटर्स और अदर हार्डवेयर डिवाइसेस दैट आर कनेक्टेड टुगेदर आइदर फिजिकली और लॉजिकली यूजिंग स्पेशल हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर टू अलाउ देम टू एक्सचेंज इंफॉर्मेशन एंड कोऑपरेट। तो नेटवर्क क्या है, बेसिकली सिंपली एक कलेक्शन ऑफ कंप्यूटर है यानी कि ग्रुप ऑफ कंप्यूटर कनेक्टेड टुगेदर, ठीक है, और अदर हार्डवेयर डिवाइसेस, कंप्यूटर के अलावा अदर हार्डवेयर डिवाइसेस हो सकती हैं जैसे कि प्रिंटर्स, स्कैनर्स, दैट आर कनेक्टेड टुगेदर आइदर फिजिकली, या तो वो फिजिकली कनेक्टेड है या फिर लॉजिकली कनेक्टेड है यूजिंग स्पेशल हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। तो अगर आप वो फिजिकली कनेक्टेड हैं तो हार्डवेयर का यूजेज होगा, और लॉजिकली कनेक्टेड हैं तो यूजिंग सॉफ्टवेयर वो कनेक्टेड हो सकती हैं। टू अलाउ देम टू एक्सचेंज इन्फॉर्मेशन, किस लिए, जिससे कि वो इन्फॉर्मेशन को एक्सचेंज कर सकें, डेटा को शेयर कर सकें एंड आपस में कोऑपरेट कर सकें। तो नेटवर्क्स आर यूज्ड फॉर एन इनक्रेडिबल एरे ऑफ डिफरेंट पर्पसेस, यानी कि जो नेटवर्क्स हैं इनका जो यूजेज है वो बहुत ही वास्ट है। दे आर यूज्ड फॉर इनक्रेडिबल एरे ऑफ
ऑफ डिफरेंट पर्पसेस, डिफरेंट डिफरेंट पर्पसेस के लिए नेटवर्क्स को यूज़ किया जाता है. इनफैक्ट आजकल नथिंग इज इम्पॉसिबल विदाउट यूजिंग अ नेटवर्क. अब देखते हैं कि एलिमेंट्स क्या क्या होते हैं, एलिमेंट्स ऑफ अ कंप्यूटर नेटवर्क. तो एक कंप्यूटर नेटवर्क को बनाने के लिए किन किन एलिमेंट की ज़रूरत होती है? तो सबसे पहले तो आप के लिए इंटरनेट इज नीडेड. तो इंटरनेट से के साथ ही आप कनेक्ट करेंगे, उसी के बाद ही आपका नेटवर्क बनता है. मैं आगे डिस्कस करूँगी नेटवर्क की टाइप्स, उसमें आपको बताया जाएगा लैन मैन वैन में डिफरेंस क्या होता है. एंड जब इंटरनेट से के थ्रू आप कम्युनिकेट करते हैं फ्रॉम वन नोड टू डिफरेंट नोड, एंड देन आपकी फायरवॉल, इंटरनेट से जो भी ट्रैफिक आता है वो फायरवॉल से फिल्टर होके आपके नेटवर्क तक पहुंचता है. नेटवर्क में सपोज आपके यहाँ से स्विच है, ठीक है, तो स्विच इज़ कनेक्टेड विद पीसी, लैपटॉप, टैबलेट्स, मोबाइल्स एंड प्रिंटर्स. दीज ऑल डिवाइसेज आर कॉल्ड नोड्स. ये सभी आपके नेटवर्क में कनेक्टेड होती हैं. इन सबको कनेक्ट करने के लिए डिफरेंट डिफरेंट टोपोलॉजीज़ का यूज़ किया जाता है, जो मैं अपने आने वाले लेक्चर्स में आपको बताऊंगी कि टोपोलॉजीज़ क्या होती हैं और कैसे हम डिवाइसेस को कनेक्ट करके कोई किसी एक पर्टिकुलर टोपोलॉजी को यूज़ करते हुए एक नेटवर्क को डिज़ाइन कर सकते हैं, एक लैन को हम कैसे डिज़ाइन करते हैं. सो बेसिकली अभी तक जो आपने जाना कि एक कंप्यूटर स्टैंड अलोन कंप्यूटर्स क्या होते हैं, उनकी क्या ड्रॉबैक्स हैं, उसके बाद हमने टू और मोर देन टू कंप्यूटर्स को कनेक्ट किया है, डिवाइसेस को कनेक्ट किया यूजिंग अ कम्युनिकेशन चैनल, ठीक है. तो उसको कनेक्ट करने के बाद आपका क्या बन जाता है, नेटवर्क बन जाता है. नेटवर्क की क्या उपयोगिता है, नेटवर्क के ज़रिए हम डेटा शेयरिंग करते हैं, रिसोर्स शेयरिंग करते हैं, तो ये सब आपका कंप्यूटर नेटवर्क. तो बेसिकली नेटवर्किंग क्या है, व्हाट डू यू मीन बाय नेटवर्किंग? नेटवर्किंग इन्वॉल्व्स द इंटरकनेक्शन ऑफ वर्क स्टेशंस, टर्मिनल्स एंड अदर नेटवर्क डिवाइसेस. नेटवर्किंग के अंदर क्या आता है, डिफरेंट वर्क स्टेशंस, टर्मिनल्स और नेटवर्किंग डिवाइसेस को कनेक्ट करना, इंटरकनेक्शन. नेटवर्क अलाउज कंप्यूटर्स ऑफ डिफरेंट टाइप्स टू इंटरकम्युनिकेट यूजिंग अ नेटवर्क प्रोटोकॉल. तो अब कम्युनिकेशन की जब हम बात करते हैं, जब हमने कनेक्ट किया डिफरेंट डिवाइसेस को, जब हमने डिफरेंट डिवाइसेस को कनेक्ट किया तो वहाँ डिफरेंट हार्डवेयर होता है, ठीक है. तो फॉर एग्जांपल अगर डिफरेंट टाइप ऑफ पर्संस आपके ग्रुप में है, सपोज एक पर्सन है जो जापानीज में बोल सकता है, जानता है, एंड एक पर्सन है जो हिंदी में जानता है, तो आपस में कम्युनिकेट कैसे करेंगे? एक ग्रुप अगर उनका फॉर्म करते हैं तो आपस में उनका कम्युनिकेशन कैसे होगा, क्योंकि उनकी लैंग्वेज डिफरेंट है. उसके लिए क्या होता है कि एक कॉमन वहाँ से ट्रांसलेटर को यूज़ किया जाएगा, जो कि ट्रांसलेटर का क्या काम होगा, दोनों की जो बातचीत होगी उसको ट्रांसलेट करके जो है ट्रांसमिट करेगा, कम्युनिकेट करेगा, ठीक है. तो इस तरीके से एक सेट ऑफ रूल्स यानी कि प्रोटोकॉल्स बनाए जाते हैं डिफरेंट डिवाइसेस को आपस में कनेक्ट करने के लिए, जिससे कि वो सेंड, जो भी सिग्नल सेंड एंड रिसीव कर रही हैं उसको अंडरस्टैंड कर सके. तो ये सब भी नेटवर्किंग का पार्ट होता है. तो नेटवर्क अलाउज कंप्यूटर्स ऑफ डिफरेंट टाइप्स टू इंटरकम्युनिकेट यूजिंग अ नेटवर्क प्रोटोकॉल. नेटवर्क प्रोटोकॉल क्या होता है, प्रोटोकॉल का मतलब होता है सेट ऑफ रूल्स. सेट ऑफ रूल्स किस लिए सेट किए जाते हैं, वो रूल्स दो डिवाइसेस को के बीच में कम्युनिकेशन एस्टेब्लिश करने के लिए जो सेट रूल्स बनाए जाते हैं, वो सेट ऑफ रूल्स नेटवर्क प्रोटोकॉल कहलाते हैं. और उस प्रोटोकॉल के माध्यम से जो कम्युनिकेशन एस्टेब्लिश होता है वो दैट इज पार्ट ऑफ नेटवर्किंग. द प्रोटोकॉल दैट द कंप्यूटर्स यूज इज मोर इम्पॉर्टेंट टू कम्युनिकेशन देन देयर एक्चुअल नेम. जो प्रोटोकॉल कंप्यूटर यूज करता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं कम्युनिकेशन के. To communicate computers on a network must have a common protocol. तो different type के computers या devices को एक network में communicate करने के लिए एक common protocol का use किया जाता है. तो networking is the term that describes the process involved in designing, implementing, upgrading and managing. Networking क्या है basically? ये जो term है networking, ये किस लिए use होती है? Describe करती है पूरे complete process को. जो process क्या है? उस प्रोसेस में क्या क्या इन्वॉल्व है? सबसे पहले डिज़ाइनिंग यानी कि कंप्यूटर नेटवर्क को डिज़ाइन करना, उसको इम्प्लीमेंट करना, उसको अपग्रेडेशन, उसका उसको मैनेज करना, ठीक है. तो ये सभी जो टास्क हैं, ये प्रोसेसेस हैं, ये नेटवर्किंग का पार्ट.
अब हम देखते हैं कि नेटवर्क कितने तरीके के होते हैं, टाइप्स ऑफ नेटवर्क। तो बेसिक यहाँ से मैं आपको कैटेगराइजेशन है नेटवर्क का, दैट इज लैन, मैन एंड वैन। तो हम बेसिकली थ्री टाइप्स में एक नेटवर्क को डिवाइड कर सकते हैं, लैन, मैन एंड वैन। जो स्मॉलेस्ट टाइप है, स्मॉलेस्ट यूनिट है, वो कहलाता है लैन, यानी कि लोकल एरिया नेटवर्क। तो लोकल एरिया नेटवर्क में बेसिकली क्या होता है, लोकल एरिया में सपोज फॉर एग्जांपल विद इन अ बिल्डिंग, एक बिल्डिंग के अंदर, या कि बिल्डिंग के, और अगर हम स्मॉल यूनिट की बात करें, एक लैब के अंदर, विद इन अ लैब क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल देर आर 50 कंप्यूटर्स। तो अगर 50 कंप्यूटर्स को एक लैब के अंदर आप आपस में कनेक्ट करते हैं यूजिंग सम टोपोलॉजी, ठीक है, तो वो क्या बन जाता है, आपका लैन बन जाता है। तो लैन क्या होता है, आप एक बिल्डिंग के सभी कंप्यूटर्स को जब आप आपस में कनेक्ट करते हैं विद इन ए बिल्डिंग, तो वो एक स्मॉल नेटवर्क होता है जो कि लोकल एरिया में डिफाइन किया जाता है, डिजाइन किया जाता है, उसको हम लोकल एरिया नेटवर्क कहते हैं। लैन कनेक्शन जो होता है वो बहुत ही हाई स्पीड कनेक्शन होता है, एक लैन जो कि दूसरे लैन से वेरी हाई स्पीड कनेक्शन यूज करते हुए कनेक्ट किया जाता है। इसमें बेसिकली जो टेक्नोलॉजी होती है वो ईथरनेट या फास्ट ईथरनेट या गीगाबिट ईथरनेट यूज की जाती है। ईथरनेट के केस में 10 Mbps, फास्ट ईथरनेट के केस में इट इज 100 Mbps, एंड गीगाबिट ईथरनेट के केस में इट इज 1000 Mbps की स्पीड प्रोवाइडेड होती है। एंड लैन के केस में जो ओनरशिप होती है वो कंप्लीटली प्राइवेट ओनरशिप होती है, यानी कि जो पर्सन है, जो इंस्टीट्यूट है या ऑर्गेनाइजेशन है, वो उसका एक प्राइवेट नेटवर्क होता है, उसकी जो ओनरशिप है वो प्राइवेट है, दैट इज नॉट पब्लिक ओनरशिप। सेकंड होता है मैन, यानी कि मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। मैन क्या होता है, जब हम मोर देन वन लैंस को कनेक्ट करते हैं, नॉट इन ए सिंगल बिल्डिंग, अलग अलग बिल्डिंग्स में विद इन अ सिटी, एक ही शहर के अंदर, जब हम डिफरेंट लोकेशंस पे स्थित जो कि ऑफिसेज होते हैं, फॉर एग्जांपल एक बैंक की 2-3 ब्रांचेज हैं जिसे एक ही सिटी में, आप उन सभी ब्रांचेस को कनेक्ट करते हैं अगर, या किसी एक ऑफिस की कंपनी की 2 ऑफिसेज हैं, तो दोनों की लैंस को जब आप आपस में कनेक्ट करते हैं तो वो क्या बन जाता है, मैन बन जाता है, मेट्रोपोलिटन एरिया नेटवर्क। इसका जो आपका एरिया का कवरेज है वो है विद इन अ सिटी, एक सिटी के अंदर, ठीक है। तो मैन जो बेसिकली क्या होता है, और इसके जो ओनर होता है वो एक ऑर्गेनाइजेशन होती है, तो एक ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा मैन क्रिएट किया जाता है, एंड ये थोड़ा एक्सपेंसिव होता है इन कंपैरिजन टू लैन, लैन के कंपैरिजन में मैन एक्सपेंसिव होता है। फाइनली आपका आता है वैन, यानी कि वाइड एरिया नेटवर्क। तो वाइड एरिया नेटवर्क के केस में क्या होता है, जब आप डिफरेंट मैंस को कनेक्ट करते हैं तो वो वैन बन जाता है, यानी कि डिफरेंट ज्योग्राफिकल लोकेशंस पे, अलग अलग ज्योग्राफिकल लोकेशंस पे स्थित, यानी कि अलग अलग सिटीज में को जब आप कनेक्ट करते हैं तो वो क्या कहलाता है, वैन कहलाता है। यानी कि अगर आप दिल्ली में जो फॉर एग्जांपल किसी बैंक की के ऑफिस जो कि दिल्ली के हैं, उनको आप बेंगलोर से कनेक्ट करते हैं या बॉम्बे से कनेक्ट करते हैं, तो वो, या फिर यूएसए से कनेक्ट करते हैं, या किसी भी ज्योग्राफिकल लोकेशन जो कि काफ़ी दूरी पर है, डिस्टेंस पे है, उसको आप कनेक्ट, उसके बीच में आप कनेक्शन एस्टेब्लिश करते हैं, तो वो आपका वैन कहलाता है, वाइड एरिया नेटवर्क। इसका इम्प्लीमेंटेशन भी एक्सपेंसिव होता है, और वैन कभी भी किसी एक पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा, उसका ओनर कोई एक पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन नहीं होती है, इट इज़ नॉट ओन्ड बाई अ सिंगल ऑर्गेनाइजेशन, इसका जो ओनर होगा वो डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन के बीच में कम्युनिकेशन है। इंटरनेट भी वैन का ही एक एग्जाम्पल है, यानी कि इंटरनेट इज एन एग्जाम्पल ऑफ बेसिकली वर्ल्ड वाइड पब्लिक वैन। तो वैन क्या होता है, इट इज नॉट ए प्राइवेट नेटवर्क, जस्ट लाइक लैन, लैन एक प्राइवेट नेटवर्क था, मैन भी एक प्राइवेट नेटवर्क था, क्योंकि वो एक ऑर्गेनाइजेशन द्वारा क्रिएट किया जाता है, जबकि वैन जो होता है वो पब्लिक नेटवर्क होता है, ठीक है। तो वर्ल्ड वाइड पब्लिक नेटवर्क का ही एग्जाम्पल होता है जिसे हम कहते हैं इंटरनेट। इसके अलावा ट्रांसमिशन स्पीड में भी डिफरेंसेस होते हैं, लैन के केस में ट्रांसमिशन स्पीड जो होती है वो हाईएस्ट होती है, हाई होती है, मैन के केस में ट्रांसमिशन स्पीड एवरेज होती है, और वैन के केस में ट्रांसमिशन स्पीड लो होती है। अगर हम कंजेशन की बात करें तो लैन के केस में कंजेशन स्मॉल होता है, सबसे मिनिमम होगा, मैन के केस में उससे थोड़ा ज़्यादा होगा, नेटवर्क के बीच में जो कंजेशन होता है, एंड वैन के केस में वो कंजेशन हाईएस्ट होता है। तो ये हैं डिफरेंसेस बिटवीन लैन, मैन एंड वैन, डायग्राम में आप देख सकते हैं।
टू और थ्री कंप्यूटर्स यहाँ डिपिक्ट किए गए हैं, यानी कि एक सिंगल बिल्डिंग में टू और मोर देन कंप्यूटर्स को कनेक्ट किया है यूजिंग ए टोपोलॉजी, तो वो आपका क्या बन जाता है, लैन बन जाता है। जब आपने मोर देन वन लैंस को कनेक्ट कर दिया, यानी कि देख सकते हैं यहाँ पे थ्री लैंस कनेक्टेड हैं विद इन अ सिटी, यानी कि सब फॉर एग्जाम्पल ये अगर एक बिल्डिंग में है तो थ्री बिल्डिंग्स को यहाँ कनेक्ट कर दिया है आपने, तो ये आपका मैन का सेटअप है। एंड वैन के केस में वर्ल्ड वाइड वेब यानी कि इंटरनेट के माध्यम से डिफरेंट जियोग्राफिकल लोकेशन पे अलग अलग सिटीज के जो नेटवर्क है उनको आपने कनेक्ट किया है, तो दैट इज कॉल्ड वैन। अब फाइनली हम देखते हैं कि यूजेस ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क क्या होते हैं। अभी तक आपने जाना कि कंप्यूटर नेटवर्क क्या होता है, उसके टाइप्स क्या क्या हैं, नेटवर्किंग किसे कहते हैं, तो आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग अब कंप्यूटर नेटवर्क की हो गई है कि नेटवर्क बेसिकली क्या होता है, तो आप उसको यूज़ कहाँ कहाँ कर सकते हैं। तो फर्स्ट है इंफॉर्मेशन एंड रिसोर्स शेयरिंग के लिए, जो ऑलरेडी मैं आपको एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, डेटा शेयरिंग और इंफॉर्मेशन यानी कि डेटा शेयरिंग और रिसोर्स यानी कि हार्डवेयर रिसोर्सेज या स्टोरेज को शेयर करने के लिए आप इसे यूज़ कर सकते हैं। रिट्रीविंग रिमोट इंफॉर्मेशन, रिमोट लोकेशन से जो इंफॉर्मेशन रिट्रीव करने के लिए कंप्यूटर नेटवर्क के माध्यम से इंफॉर्मेशन रिट्रीव की जाती है। स्पीडी इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन, फॉर एग्जांपल आजकल आप सभी मेल यूज़ करते हैं, तो मेल भी आप एक इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन का एग्जांपल है, जिस जो कि काफ़ी स्पीड प्रोवाइड करता है कम्युनिकेट करने में, इन कंपैरिजन टू जो नॉर्मल आपका पोस्टल सिस्टम होता है उसके कंपैरिजन में आपका जो कम्युनिकेशन है यूजिंग इंटरनेट यूजिंग ई मेल्स दैट इज़ वेरी स्पीडी। ई कॉमर्स यानी कि ई कॉमर्स वेबसाइट्स होती हैं डिफरेंट, आप सभी उसको यूज़ करते हैं, आप शॉपिंग करते हैं, पेमेंट करते हैं, तो वो सभी वर्क बैंकिंग वेबसाइट्स होती हैं, ये सभी आपकी ई कॉमर्स के अंदर आते हैं, आप बैंकिंग कर सकते हैं। हाईली रिलायबल सिस्टम्स, हाई रिलायबल सिस्टम्स का मतलब ये होता है कि जो लॉस ऑफ डेटा या लॉस ऑफ जो रिसोर्सेज होता है उसकी जो आपकी गुंजाइश होती है वो बहुत कम हो जाती है। अगर एक नेटवर्क आप यूज़ कर रहे हैं फॉर एग्जांपल जो डेटा है एक डिस्ट्रीब्यूटेड नेटवर्क में वो अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट सर्वर्स पे स्टोर होता है, ठीक है, तो फॉर एग्जांपल आप बैंकिंग सिस्टम की ही बात करें तो बैंकिंग सिस्टम के केस में अगर अगर आपका डेटा आप स्टैंड अलोन कंप्यूटर यूज़ करते हैं और जो उसमें डेटा होता है, फॉर एग्जांपल आपके साथ कभी अगर स्टूडेंट्स आपके साथ कभी ऐसा विंडोज़ करप्ट हो जाती है, ठीक है, तो आपका क्या होता है, डेटा लॉस हो जाता है, वो स्टोर नहीं होता है। और वहीं अगर आपका सिस्टम जो है नेटवर्क से जुड़ा है एंड आजकल आप क्लाउड पे स्टोर कर सकते हैं, तो क्लाउड पे स्टोर करने का मतलब क्या होता है कि आपका जो डेटा है उसका जो बैकअप है, आपके मोबाइल फ़ोन का भी जो बैकअप होता है जो आप क्लाउड पे स्टोर कर सकते हैं, बैकअप लेते हैं उसका गूगल पे, गूगल ड्राइव में आप उसका बैकअप लेते हैं, तो वो किसी दूसरे कंप्यूटर सिस्टम पे किसी दूसरे सर्वर पे जाके वो स्टोर हो रहा है, तो वहाँ से आप उसको रिट्रीव कर सकते हैं। तो इसका मतलब क्या हो गया कि जो सिस्टम हो गया नेटवर्क के माध्यम से वो बहुत ही रिलायबल हो गया, उसमें किसी भी फॉल्ट की या डेटा लॉस की चांसेस नहीं है, वो मिनिमम हो जाते हैं, तो इट मेक्स अ वेरी हाईली रिलायबल सिस्टम्स। सेकेंड इट इज़ कॉस्ट इफेक्टिव सिस्टम्स, जो आपकी कॉस्ट होती है, फॉर एग्जांपल आपको सेटअप करना है तो आपको डिफरेंट डिफरेंट पीसीज के साथ अलग अलग प्रिंटर्स या अलग अलग स्टोरेज हाई स्टोरेज की ज़रूरत नहीं होती है, एक सर्वर यूज़ करके आप डिफरेंट कंप्यूटर्स से सेम सर्वर पे जितना भी स्टोरेज है वो आप उसको यूज़ कर सकते हैं। सॉफ्टवेयर के केस में भी अगर आप स्टैंड अलोन कंप्यूटर यूज़ करते हैं तो आपको जो है फॉर एग्जांपल अलग अलग सारे कंप्यूटर्स में डिफरेंट डिफरेंट लाइसेंसेस लेके सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने होंगे, उनको कॉन्फ़िगर करना होगा, तो उसकी मेंटेनेंस कॉस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो नेटवर्क के केस में आप सिंगल इंस्टॉलेशन से सर्वर में इंस्टॉल करके सर्वर साइड से सभी जो नेटवर्क में अवेलेबल हैं नोड्स हैं वहाँ से उस सॉफ्टवेयर को पर्टिकुलर एक्सेस कर सकते हो। आजकल क्लाउड कंप्यूटिंग के केस में आपको क्लाउड पे सॉफ्टवेयर मिलता है तो आपको परचेज सभी वहीं से आप किसी भी नोड के थ्रू उसको एक्सेस कर सकते हो, तो आपको इंडिविजुअल नोड्स पे इंडिविजुअल पीसीज पे अलग से सॉफ्टवेयर्स को लाइसेंस सॉफ्टवेयर्स को इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं होती है। नेक्स्ट है आपका वॉइस ओवर आईपी, यानी कि वॉइस ओवर आईपी में जैसे कि आप सभी व्हाट्सएप यूज़ करते हैं, व्हाट्सएप के थ्रू आप कॉल कर सकते हैं, वीडियो कॉलिंग होती है, वॉइस कॉलिंग होती है, तो दिस इज़ कॉल्ड
हाँ, वॉइस ओवर आईपी, जब आप इंटरनेट के माध्यम से आप कॉल करते हैं, जो है डिजिटल फॉर्म में कम्युनिकेशन होता है इंस्टीड ऑफ एनालॉग फॉर्म, तो दैट इज कॉल्ड वॉइस ओवर आईपी। तो वॉइस ओवर आईपी ने भी एक जो है रिवॉल्यूशन लाया है आपके कम्युनिकेशन की दुनिया में, दैट इज वेरी यूजफुल दीज डेज। एंड फाइनली आफ्टर कोविड-19 ई लर्निंग इज इन बूम, तो आजकल सभी ई लर्निंग से ऑनलाइन क्लासेस कर रहे हैं, दैट इज अगेन हियर अगेन यू आर यूजिंग अ कंप्यूटर नेटवर्क एंड नोड्स कनेक्टेड टू अ नेटवर्क। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आज के इस लेक्चर में मैंने कंप्यूटर नेटवर्क की बेसिक्स कवर की हैं। इन माई नेक्स्ट लेक्चर यू विल लर्न अबाउट द टाइप्स ऑफ नेटवर्क, दैट इज लैन, मैन, वैन इन डिटेल एंड टोपोलॉजीज। टिल देन स्टे ट्यून्ड, थैंक यू।